आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये दो लड़कियों ने शादी की है सिर्फ इतना सा सोच लो माइंड में कि ये लड़का है और इसने लड़की के साथ शादी की है मैं सब क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको दो लड़कियों की शादी डाइजेस्ट नहीं हो रही मैंने उनको समझाया कि जो खुशी मुझे इस बंदी के साथ मिल रही है वो मैं उस लड़के के साथ कभी भी नहीं देख पाऊंगी जिससे आप मेरी शादी करना चाहते हो हम लोग लिटरली किसी भी पंडित को अगर अप्रोच कर रहे थे तो उनका सामने से निकल के यही आता था कि मैं दो लड़कियों की शादी कैसे करा दूँ मैं कन्या का कन्यादान एक दूसरी कन्या को कैसे दे दूँ कैसे होते हो एक दूसरे को कैसे मिलता है तो नॉर्मली आपने दो लड़कियों को बहने सुना होगा दोस्त सुना होगा बेस्ट फ्रेंड सुना होगा बेस्ट बड़ी सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी दो लड़कियों को कपल सुना है जी हाँ ना तो हम दोनों बहने हैं ना दोस्त है ना बेस्ट बडीज हैं हम दोनों हैं कपल तो आपने देखा होगा बॉलीवुड में एक लड़का और लड़की को कपल होते हुए लेकिन हम उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए बताना चाहते हैं कि हम दोनों लड़कियां हैं और हम दोनों कपल हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है यशविका बत्रा और मैं तीस साल की हूँ और अभी मुंबई में रहती हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पायल बत्रा मेरी एज है थर्टी इयर्स और मैं मुंबई में रहती हूँ तो हम दोनों मिले 2018 में जिस टाइम पे टिकटॉक का सिलसिला चल रहा था वहीं पे मुझे पायल की प्रोफाइल दिखाई दी और एक वीडियो इतनी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगी कि मैं इनको मैसेज ड्रॉप किए बिना रह ही नहीं पाई तो इन मैंने इनको मैसेज किया कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है उस टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे जहाँ पे मैं ये शो करूँ कि मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या मैं सेलिब्रिटी हूँ तो इस टाइप का कुछ भी नहीं था उस टाइम पर तो मैंने इन्हें रिप्लाई किया कि आपको मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है येस yes. एंड मेरे को सिर्फ इतना सा था कि मुझे ये पसंद आए मुझे उस वीडियो में इनके जो एक्सप्रेशन पसंद आए मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से अटैच हो गई थी इनसे तो मुझे ये था कि मुझे सिर्फ एक बार बात करनी है मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे रिलेशन में जाना है कि मैं लाइक करूँगी या मैं प्रपोज करूँगी या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था सिर्फ इतना था कि सामने से बस एक रिस्पॉन्स आए बट एक्सपेक्टेशंस नहीं थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था मैं रिसेंटली मेरा एक ब्रेकअप हुआ था और मेरे को प्यार नाम से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी और जब मुझे यशू का मैसेज आया था तो इसने भी जब मुझसे बात करना स्टार्ट की तो इसने मुझे अपने सारे पास्ट का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि मेरे पास्ट में मेरी ये गर्लफ्रेंड फ्रेंड थी मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे मेरे साथ वही सेम चीज़ हो रही थी जो मेरे साथ पास्ट में जैसे स्टार्ट हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब हमेशा ऐसे ही क्यों स्टार्ट करना है मतलब पास्ट को ला ही क्यों स्टार्ट करना है तो मैंने इसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना दिया था कि तुम सारी लड़कियों को ऐसा ही होता है कि तुम अपना पास्ट बता के ही सामने आते हो तुम्हें सेम्पति गेन करनी होती है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के ना और मैंने इसको मतलब मैंने इसे बात बात करना कम कर दिया था मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया बट मैंने साथ साथ ये भी रियलाइज किया कि ऐसा कोई रिश्ता अभी तक जुड़ा नहीं है तो मैं हर्ट क्यों हो रही हूँ मेरे को हर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि रिलेशन नहीं है वैसा जहाँ पे मैं खुद को दुख पहुंचाऊँ तो ये चीज़ें थोड़ा इस तरीके से जब चलती रही तो मैंने उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ना रिसेंटली तबियत खराब हो गई मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हो गई और मुझे लगा कि ठीक है एक ट्राई और करते हैं मैंने वो हॉस्पिटल वाली जो मेरी पिक्चर थी वो क्लिक कराई अपने फ्रेंड से और इनको मैंने सेंड कर दी और जब मैंने वो फोटो देखी तो सीरियसली मेरे को उस टाइम पे सेम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि सेम चीज़ वही तुम सिंपति गेन क्यों करना चाहते हो तो मतलब सिम्पति गेन क्यों करनी है तुम नॉर्मली भी तो तुम बात कर सकते हो ना और अगर तुम्हें एज ए फ्रेंड ही बात करनी है तो उसमें ये सब चीज़ें बताना आई डोंट थिंक कि ज़रूरी है तो मैंने उस टाइम पे भी इनको यही बोला कि भाई नॉर्मल बात करो तुम ज़्यादा चेप मत हो मुझसे नॉर्मली बात करो मुझसे मेरा एक्चुअली नेचर ही हमेशा मैं बहुत टॉकेटिव नेचर है मेरा मैं ज़्यादा बातें करती हूँ मैं अपनी बातों को रखना पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कि सामने वाला मेरी बात को सुने लेकिन यहाँ पे सुनने से ज़्यादा समझने से ज़्यादा बस वो एक एटीट्यूड निकल के आ रहा था अब मेरे को इनका पास के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मेरे को जे प्रेजेंट में दिखे हैं मैं सिर्फ उससे जज करके इनसे बातचीत कर रही हूँ और ये इतना रिजर्व नेचर कि मुझे मिली कि इन कुछ शेयर ही नहीं किया कि मेरे के साथ क्या चीज़ें हुई हैं या फैमिली के बारे में सिर्फ इतना था कि बंदी बैंक में जॉब करती है और और नौ से सात तक का शेड्यूल है इनका जिसमें बिजी रहते हैं और वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है व्हाट्सअप पे हम लोगों की बातें शुरू हुई और जब व्हाट्सअप पे शुरू हुई तो व्हाट्सअप पे इसका मैसेज का आना बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे अपने काम के बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद था तो उसी करके हम दोनों के बीच में एक बहुत गंदा झगड़ा हुआ और मैंने इसे वहाँ से ब्लॉक कर दिया था और छः महीने तक हमारी कोई भी बात नहीं हुई छः महीने के बाद अचानक मैं दिल्ली में थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे इनका अचानक से मैसेज आता है कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ क्या तुझे आना है तो तू आ जा ऐसे करके तो मैं शॉकड हो गई कि हाय हेलो कुछ भी नहीं है छः महीने के बाद सीधा आप सामने से मैसेज कर रहे हो कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ और तू आ जा मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ मैं नहीं आ सकती तो वहाँ से निकल के आया कि तू अपने फ्रेंड्स के साथ है मैंने बोला हाँ देन इनका एक क्वेश्चन आया ये निकल के कि तू खुश है या नहीं मैंने बोला नई लाइफ में बस ऐसी ही चीज़ें चल रही है मैं खुश नहीं हूँ तो वहाँ से अब देखो मैं मेरा जो लास्ट ब्रेकअप हुआ था उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुकी थी मुझे यह था कि मुझे प्यार व्यार में नहीं पढ़ना है और मेरे को ऐसा था कि यार अभी प्यार व्यार छोड़ो सिर्फ दोस्ती रखनी है उससे आगे कुछ भी नहीं और जब सेम चीज़ें सामने से आ रही है वही सिंपति वाली तो मेरे को वो चीज़ें चाहिए ही नहीं थी लेकिन इंसान ना इंसान बहुत ज़्यादा लालची होता है तो जैसे ही मुझे लगा कि जब ये मेरे को आगे से अप्रोच कर रही थी तब तो मैंने इसे भाव नहीं दिया जब मैंने इसे छः महीने ब्लॉक करके रखा कोई बातचीत नहीं हुआ मुझे मुझे फील हुआ कि मेरे को मेरे साथ में कोई पार्टनर चाहिए तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं मैसेज करके कि वहाँ से रिप्लाई आता है कि नहीं आता है तो जब मैंने मैसेज किया तो वहाँ से ये रिप्लाई आया कि लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है अच्छा और ऐसा तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है अभी चांस है अभी बात कर सकते हैं वहाँ फिर छः महीने के बाद हमारी दोबारा से वहाँ पे बातचीत शुरू हुई और कंटिन्यूटी में हमारी बातें शुरू हो गई रोज़ बैंक जाते हुए बात होती थी शाम को वापस आते हुए बात होती थी एक दूसरे को एक दूसरे की पसंद की म्यूज़िक सुनाना ये सारी चीज़ें करना देन उसके बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम मिलते हैं हम लोग पहली बार मिले 2018 नवंबर में हम हरिद्वार में मिले एंड थ्री डेज़ का वो स्टे था वो तीन दिन हमने एक दूसरे को जानने पहचानने में एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं है उन चीज़ों के लिए निकाला वहाँ से हमने उसके बाद जब हम वापस घर पहुँचे तो हमारा फ़ोन पे एक बातचीत हो रही है उसमें कमिटमेंट कुछ भी नहीं था उस टाइम तक तो फ़ोन पर हमारी एक बातचीत हुई इन्होंने मुझे बोला कि मैं आईलेट्स कर रही हूँ मुझे कैनाडा जाना है मुझे बाहर जाना है मेरा वही एक ड्रीम है मैंने बोला ठीक है आप बेशक वहाँ पे जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनका वहाँ से ये निकल के आया फर्स्ट टाइम कि मैं अगर कनाडा चली जाती हूँ तो क्या तो मेरे बिना रह लेगी मैंने बोला अगर रिश्ता सच्चा हुआ तो डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो उसके बाद इन्होंने ये बोला कि मैं खुद ही नहीं जाना चाहती अब इस लेवल पे आके मैं खुद ही नहीं जाना चाहती तो वो एक कमिटमेंट था हमारा कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है उसके बाद जब ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई उसके बाद हमने डिसाइड किया हम लोग मंथ ऑन मंथ मिलने लग गए लेकिन मंथ ऑन मंथ मिलने के बाद ये ऐसा कुछ मोड़ आया कि आपको पता है कि कोरोना आ गया बीच में लॉकडाउन लग गया और हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए हम अपने अपने सिटीज़ में ब्लॉक हो गए उस टाइम पर मैं रुद्रपुर में जॉब करती थी उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी अपनी फैमिली में डिस्क्लोज़ करेंगे अपने बारे में कि हमारा ऐसा है तो पहले इन्होंने अपनी मदर को डिस्क्लोज़ किया देन आफ्टर मैंने अपनी मदर को डिसक्लोज़ किया तो जब मैंने मेरी मदर को ये चीज़ें डिस्लोज़ की अपने बारे में कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे शादी नहीं करनी है और मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे करके एक लड़की है मुझे उसी के साथ रहना है और मैं शादी करना चाहती हूँ तो मेरी मदर का ये निकल के आया कि दो लड़कियाँ दोस्त होती हैं दोस्त की तरह रह लो लाइफ टाइम रह लो मैं मना नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए लेकिन शादी तुम लड़के से ही करोगे बट मेरे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद भी वो कन्विंस नहीं हो पाए और होना भी नहीं था बिकॉज हमने अपने आप को एक्सेप्ट करने में 25-30 साल लगाए हैं तो उनके लिए वो एक झटके में एक्सेप्टेंस देना बहुत टफ था एकदम से मैंने बॉम्ब फोड़ दिया उनके ऊपर तो वो मैं समझ रही थी कि उनको टाइम चाहिए तो उनका कुछ ऐसे निकल के आया कि नई जॉब छोड़ दो अपने घर वापस आ जाओ शादी कर लो एंड इसके इस बार मैं तुमसे पूछूंगी विनी कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं तुमसे शादी कर लेना वहां से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने इनको कॉल किया तो जब मैंने अपनी मदर को बताया था कि एक्चुअली मेरी घर वालों को पहले से ही पता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो लड़कों में नहीं है लड़कियों में लेकिन कभी भी आ, उनसे इस बारे में कभी भी बात नहीं हुई ये पहली बार था जब मैं अपने घर वालों को सामने से बताने जा रही थी कि मेरी लाइफ में एक लड़की है और मुझे अब लाइफ टाइम उसी के साथ रहना है और ये फाइनल है अगर इसके बाद कोई आ, मतलब इससे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मैं वो चीज़ मतलब नहीं रखूँगी जहाँ पर आप बोलोगे वहीं पर मैं शादी करूँगी तो जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा सीन है और वो लड़की रुद्रपुर में रहती है और मैं चाहती हूं कि वो मेरे साथ में आकर रहे तो उस टाइम पे मम्मी ने परमिशन दे दी थी कि ठीक है तुम साथ में रहो और मैंने शादी का भी बोल दिया था कि मुझे शादी भी करनी है उसके साथ तो उधर मम्मी का ये निकल के आया था जो कि सही भी था कि पहले एक बार तुम लोग रह के देखो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में और साथ में रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तो एक बार तुम एक बार एक साल कम से कम तुम लोग साथ में रह के देखो कि तुम्हें कैसा लगता है तुम्हारी चीज़ें मैच होती है कि नहीं होती हैं उसके बाद तुम ये चीज़ का डिसीज़न लेना तो बस उनकी हाँ की देर थी और मैंने इसको वहाँ से ट्रांसफ़र इसका करवाई लिया था हमने ऑलरेडी और ये मेरे साथ आके रहने लगी थी तो लगभग दो साल हम लोग साथ में रहे लिविंग में रहे और उसके बाद से चीज़ें चलती रही चलती रही एंड उसके बाद मेरे घर वालों को भी ये चीज़ पता चल चुकी थी मैं इनके साथ रहती हूँ दो महीने बाद ही पता चल गया कि मैं लुधियाना शिफ्ट हो चुकी हूँ रुद्रपुर में नहीं हूँ बट धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया मैंने उनको समझाया कि जो खुशी मुझे इस बंदी के साथ मिल रही है वो मैं उस लड़के के साथ कभी भी नहीं देख पाऊँगी जिससे आप मेरी शादी करना चाहते हो मेरी मम्मी एंड मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स इनके ब्रदर के शादी के रिसेप्शन में आए जहाँ पर दोनों फैमिलीज़ ने आपस में बातें की दोनों के बारे में हमारी फीलिंग्स के बारे में बातें की बताया कि भाई एक दूसरे के साथ ही कुछ रह पाएंगे और एल क्यों क्या है सेम सेक्स क्या है दो लड़कियों का प्यार क्या है रिश्ता क्या है उन सब चीज़ों पे बातें हुई तो फाइनली वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई और दोनों ही फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको बस ये था कि ठीक है हमारे बच्चे खुश हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा शादी एक बहुत बड़ा ड्रीम था तो मैंने इनको जो प्रपोज भी किया था वो भी शादी ही प्रपोज किया था कभी आई लव यू भी प्रपोज नहीं किया था तो हमने शादी के लिए ये सोचा था कि बहुत ग्रैंड एक सेरेमनी करेंगे मतलब ऐसा कि बस दुनिया देखती रहे कि हाँ शादी हुई है एंड ऑब्वियसली हमें ये शादी को एक नॉर्मल तरीके से दिखाना था हमें दिखाना था कि दो लड़कियों की शादी भी उतनी ही नॉर्मल है जितना कि एक बायोलॉजिकल गर्ल और एक मैन की तो हमें वो चीज़ें दिखानी थी उसके लिए हमने तैयारियाँ शुरू की हमने घर वालों से परमिशन ली उनकी एक्सेप्टेंस थी हर चीज़ को लेकर जब हम शादी की तैयारियों में आगे बढ़े तो सबसे पहले था वेन्यू जब हमने वेन्यू पे बात की तो हम पहुंचे गुड़गावा में गुड़गावा में हमने एक विल, विला देखा हमने वहाँ पे जब बातचीत की तो वो एग्री हो गए वहाँ के जो ऑनर थे लेकिन उन ऑनर ने एक चीज़ बोल दी कि अगर शादी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी तो उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही आगे बढ़ते रहे गुड़गांव से हमें मना हो गई उसके बाद हमने जिम कॉर्बेट में सर्च किया वहाँ से भी हमें मना कर दिया तो फाइनली हमें एक ऐसी जगह देखनी थी जो इन सब चीज मतलब एल जी बी टी की जो कम्युनिटी कम्यूनिटी है उसको लेके बहुत ज़्यादा ओपन हो और बहुत सेफ़ सिटी हो तो हम लोग गए महाराष्ट्र में लोनावला में लोनावला में हम लोगों ने अपना विला बुक कर दिया था उसके बाद सबसे ज़्यादा तो जो हमें प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम आई थी पंडित जी की पंडित जी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि हम लोग लिटरली किसी भी पंडित को अगर अप्रोच कर रहे थे तो उनका सामने से निकल के यही आता था कि मैं दो लड़कियों की शादी कैसे करा दूँ मैं कन्या का कन्यादान एक दूसरी कन्या को कैसे दे दूँ तो ये सारी चीज़ें निकल के आती थी अगर दो लड़कियाँ हैं तो उसमें अगर दो जब दो लोगों की शादी होती है तो उसमें एक को विष्णु माना जाता है एक को लक्ष्मी जी माना जाता है तो मैं वो चीज़ कैसे वहाँ पर मतलब वो कर दूँ अगर मैं करा भी दूँ मतलब वो पंडित जी ये भी बोल रहे हैं कि अगर मैं शादी करा भी दूँ तो मुझे उसके लिए पाप लगेगा और मुझे उसके लिए कुछ मतलब जो भी होते हैं हवन वग़ैरह वो करने पड़ेंगे मतलब अगर तुम तुम्हें पैसा भी चाहिए शादी कराने के लिए और तुम एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि मैं पाप कर रहा हूँ हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो ऊपर एक सबसे ऊपर टॉप पे एक पंडित जी का नाम आ रहा था हमने उनको कॉल किया उनकी वाइफ ने कॉल उठाया तो उसके बाद उन्होंने जैसे हमने बात शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले हमने यही बताया कि दो लड़कियों की शादी है और दो लड़कियों की शादी करानी है ये चीज़ हमने पहले ही क्लियर कर दी तो उन्होंने हमसे पूछा कि आ, क्या करते हैं आप तो हमने उनको बताया कि हम लोग व्लॉगिंग करते हैं और हमारा एक चैनल है तो उन्होंने बोला कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ तो उस टाइम पे जो हमारी खुशी का ठिकाना था ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा था क्योंकि अब सामने से पता ये हो गया था कि ठीक है चलो यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो हमारी फ़ैन थी और उनके जो हस्बैंड थे वो पंडित जी थे जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक अमाउंट रखा था पहले तो हमने उनको बोला कि हम इतना पे नहीं कर पाएंगे आपको तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि आपकी जितनी भी इच्छा हो आप उतना पे कर देना तो वहाँ से हमारा पंडित जी का जो था वो क्लियर हो गया था ये जब प्री वेडिंग की बात आई तो हमें लगा हमें कुछ यूनिक करना है हमें अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है अपनी प्री वेडिंग में तो जब हमने गूगल सर्च किया यूट्यूब सर्च किया तो हमें कहीं कोई प्री वेडिंग नहीं मिली और हमें पता चला कि ये लेस्बियंस की पहली प्री वेडिंग होने वाली है उसके लिए हमने पायल के जो फ्रेंड्स थे उनको हायर किया जो कि ऑलरेडी फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं उसके लिए हमने बहुत अलग तरीके की थीम रखी हमने उसमें रेनबो का फ्लैग यूज़ किया एंड वो पूरी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो ये दिखा सके कि हाँ ये एक नॉर्मल शादी है नॉर्मल ही चीज़ें हैं जैसे एक लड़का लड़की की होती है वैसी सारी चीजें ये हैं एंड शादी के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे एक लड़का और लड़की की शादी में सारी रस्में होती हैं हमारी फैमिली वहां ना होते हुए भी हमारी जो कम्युनिटी थी उन्होंने हर एक रिचुअल को उसी तरीके से निभाया जैसे कि एक नॉर्मल शादी में निभाया जाता है मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक नॉर्मल शादी में रस्मों की कुछ कमी हो सकती है और इस शादी में एक भी रस्म कम नहीं थी ज्यादा ही थी तो वो गलत नहीं होगा तो शादी में सब कुछ सही था लेकिन हम लोगों ने अपने जो घर वाले थे उनको इनवाइट किया था लेकिन उनको शामिल नहीं किया था क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था कहीं ना कहीं आज हम खुल के सामने आ रहे हैं लेकिन आ, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम वहाँ पे घर वालों को सामने ले आते तो आपको पता है कि आज भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ को लेके तो उनको कहीं ना कहीं वो हेरासमेंट मिलती कि आप लोगों ने एक तो अलाउ कर दिया उनको शादी करने के लिए फिर आप उनकी शादी को अटेंड भी कर रहे हो तो सोसाइटी जो होती है ना तो हम नहीं चाहते थे कि हमें जो सोसाइटी की तरफ से फ़ेस करना पड़ रहा है वो हमारे घर वालों को भी फ़ेस करना पड़े तो सिर्फ एक ये छोटा सा रीज़न था उन्हें हमारी शादी में ना शामिल करने का तो इन सारी चीजों के बाद हमारी फाइनली शादी तो हो गई लेकिन अब उसके बाद की बात ये थी कि ससुराल में नॉर्मली क्या होता है कि जब लड़की शादी के बाद ससुराल पहुंचती है तो बहुत सारी रस्में होती हैं जो ये रस्में थी कि मुझे गृह गर प्रवेश करना था तो मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था क्योंकि हमें पता था कि हम मुंबई में रहते हैं एक फ्लैट में जहाँ पे हमें अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है और हम दोनों ही थे क्योंकि शादी ही पूरी हमने ऑर्गेनाइज की थी अपनी तो फाइनली वहाँ पे एक हमारे जिनको हम भाई बोलते हैं वो भी टॉमी हैं हमसे बड़े हैं एज में तो उन्होंने वो सारी रस्में निभाई एंड लिटरली वो मोमेंट इतना इमोशनल था कि ऑब्वियसली आपकी जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो आपकी फ़ैमिली आपके सामने सबसे ज़्यादा होती है आप उनकी कमी सबसे ज़्यादा फील कर रहे होते हो तो वैसा ही कुछ हम दोनों के साथ ही चला और बहुत सारी रस्मों के लिए हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं वो मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपने भाई बहनों की माँ बाप की बहुत सारी ज़रूरतें लगती हैं आपको लगता है कि उनको भी होना चाहिए था लेकिन हमने अपने रिश्ते को एक ऐसा मोड़ दे दिया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे को इस पर्सन की कमी है मेरी माँ की मेरी बहन की या मेरे भाई की तो वहाँ पर ये पर्सन मेरे साथ उस रिश्ते के लिए खड़ा था एंड जहाँ इसको नीड लगी मैंने बोला कि मैं आपके लिए खड़ी हूँ तो फाइनली हम एक ऐसे रिश्ते में आ गए कि हमने एक दूसरे को ये एक सांत्वना दे दी कि तुम्हारे लिए सारे रिश्ते मुझसे हैं और मेरे सारे तुम्हारे से जब हमने अपनी शादी की जो वीडियो थी जब हमने अपने चैनल पर डाली तो हमें वहाँ से बहुत ज्यादा हेट आया प्यार तो बहुत ही ज्यादा आया लेकिन कुछ हेट कमेंट्स भी आए और उन हेट कमेंट्स में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन कमेंट था वो ये था कि अगर लड़की से ही शादी करनी थी तो लड़के वाला गेटअप क्यों लिया मतलब जो शेरवानी क्यों पहनी नॉर्मल लहंगा भी तो पहन सकती थी अगर लड़की से ही शादी की है तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप एक चीज को ये भूल गए हो कि दो लड़कियों ने शादी की है उस चीज को हटा के आप इस चीज पे ध्यान दे रहे हो कि उसने लड़की ने लड़के वाला गेटअप लिया है वो मुझे पसंद है मैं जैसे रहना चाहती हूँ वो मेरी मर्जी है हम आपको किसी चीज़ के लिए नहीं रोक रहे हैं तो आ, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उस चीज़ के लिए हमें वो चीज़ ना बोलें कि ये यार इंडिविजुअल पर्सनल personal की पर्सनैलिटी होती है कि उसको कैसे रहना है उसको क्या पहनना है क्या खाना है क्या नहीं करना वो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है तो ऐसा माइंड प्लीज़ आप इस चीज़ को चेंज करो कि आ, मैंने लड़के वाला गेटअप क्यों लिया मैंने शेरवानी क्यों पहनी तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोगों को पहले तो मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि दो तो लड़कियों ने शादी की है उसके बाद ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि उनको ऐसा लगा कि जो लड़की है वो बहुत ज्यादा उसकी एज बहुत ज़्यादा है तो लोगों ने ये कमेंट करना शुरू किया ये तो माँ बेटी लग रही है तो इसकी माँ लगती है उसके बाद ये है या बच्चे कैसे पैदा करोगे यहाँ तक कि हमारे न्यूज़ चैनल्स पर जब न्यूज़ वायरल होनी शुरू हुई तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने यह भी कमेंट किया कि अब आगे प्रेगनेंट होने के लिए मैं यूज मत करना अगर तुम लेसबियन रिलेशन में हो तो तो इतनी सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी इवन तुम इंटीमेट कैसे होते हो सैटिस्फैक्शन एक दूसरे को कैसे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटीमेसी ही सिर्फ़ आपको सेटिसफैक्शन नहीं दे सकती अगर आपका दिल नहीं मिल रहा आपके अंदर प्यार नहीं है फीलिंग्स नहीं है अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कभी भी इस चीज़ को वो नहीं कर सकते सेटिसफैक्शन इन सारी चीज़ों से भी मिलता है सिर्फ एक इंटीमेसी आपको सेटिसफैक्शन नहीं दे सकती मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ जो ये सारे कमेंट्स करते हैं कि बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए समझना इस चीज़ को ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि सिर्फ नज़रिया बदलना है आप सोचो कि मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़की के साथ हूँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये दो लड़कियों ने शादी की है सिर्फ इतना से सोच लो माइंड में कि ये लड़का है और इसने लड़की के साथ शादी की है मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको दो लड़कियों की शादी डाइजेस्ट नहीं हो रही है सिर्फ इस रीज़न की वजह से तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना नज़रिया बदलें अगर आप ये चीज़ नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं तो अपने दिल को खुश करने के लिए ये ए, सोच ले मन में कि एक लड़का है और एक लड़की की शादी हो क्योंकि दिखने में तो मैं आपको लड़के जैसे ही लगती हूँ ना जो तो लोगों ने ये कमेंट किया है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा माँ कैसे बनोगे वो बच्चे के बिना जिंदगी कैसे कटेगी जब तक आप माँ नहीं बन जाते तब तक आपकी जिंदगी अधूरी है जिंदगी में आगे क्या करोगे कौन सहारा बनेगा तो मैं इस चीज़ पे ये आंसर देना चाहती हूँ कि जो सो कोल्ड मैंस या हेट्रोसेक्सुअल लोगों ने बच्चे पैदा करके अपने स्पम्प देके जो बच्चे पैदा करके अनाथ आश्रम में डाल दिए ना मैं उनको एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहूँगी जो एक बेहतर इंसान बन सके आगे के चल के और जो इंसान को इंसान ही समझे प्यार को प्यार की कैटेगरी में रखे ना कि सेक्शुअलिटी पर जाए ना कि जेंडर पर जाए तो मेरे लिए प्यार का मतलब है कि दो आत्माओं का मिलन अभी जो लोग बोलते हैं ना कि सात वचन मतलब शादी कैसे की इन लोगों ने शादी में तो एक विष्णु जी होते हैं एक लक्ष्मी जी होते हैं तो मैं ये मानती हूँ वहाँ पे भी सिर्फ दो आत्माओं की शादी हो रही है दो बॉडी की शादी नहीं हो रही होती है वहाँ पे दो आत्माओं का मिलन हो रहा होता है तो बस इसी चीज़ को लेके आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो कि दो आत्माओं का मिलन हो रहा है दो बॉडी का नहीं प्यार का मतलब है सिर्फ एक समझदारी एक अंडरस्टैंडिंग और जो मैंने पायल के आने के बाद अपनी लाइफ में फील किया देखो प्यार तो बहुत लोगों से हुआ बहुत सारी चीज़ें आई मैं तीस साल की उम्र तक आई हूँ अपनी ज़िंदगी में प्यार हर रिश्ते में होता है लेकिन जो इस इंसान ने वो निभाया है ना प्यार तो हर कोई कर लेता है लेकिन जो निभाया है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती लेकिन जब वो निभाना साथ आता है ना तो आप मतलब एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ सिर्फ आप तो आप पूरी दुनिया से भी फाइट कर सकते हो उस रिलेशन के बेस पे क्योंकि आपको पता है आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग है तो मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ पायल है अगर आप प्यार को प्यार के नज़रिए से देखोगे तो सिर्फ आपको प्यार नजर आएगा अगर आपको प्यार प्यार नजर आ गया तो सिर्फ प्यार ही होगा सिर्फ आपको अपना नज़रिया बदलने की देर है अगर आपका नज़रिया बदल गया तो आपको सिर्फ प्यार ही दिखेगा और कुछ भी नहीं पिछले तिहत्तर सालों से हमारा संविधान हमें कई नई ऊंचाइयां छूने की आजादी देते आ रहा है 2021 में किए हुए एक सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता के तीन प्रतिशत लोग खुद को होमोसेक्सुअल यानी गे या लेस्बियन मानते हैं भारत की सर्वोच्च अदालत 13 मार्च 2023 को समान लिंग विवाह को वैध बनाने के बारे में दलीलें सुनेगी जो हमारे एक दशमलव चार बिलियन लोगों के देश के लिए और एल कम्युनिटी के लिए वैश्विक स्तर पर एक मील का पत्थर है इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।